वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 8 ऑफ मैथ्स क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। इन दिस चैप्टर वी विल डू ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, यानी एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवीजन, ये हम करेंगे। परिमेय संख्याओं के ऊपर संक्रियाएं करेंगे, रेशनल नंबर्स में को में जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन वन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट वन, ठीक है, पार्ट वन में दिया है कि योग ज्ञात कीजिए, आपको सम करना है, यानी जोड़ना है किसको, 5/4 को जोड़ना है -11/4 से। देखिए आपको पता है जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुई सेम है इसलिए हमको करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका एलसीएम जो है 4 ले लेंगे। तो 4 ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 1 तो 1 से होगा, तो यहां 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा -1, 11। अब -11 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -6, और नीचे आ जाएगा 4। अब -6 4 है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी कि मिनिमम कम से कम क्या संख्याएं हो सकती है इसको डिवीजन करने से। यहां पर हम देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर -3 हो जाएगा और यहां पर -2 हो जाएगा, तो -3.2 इज द आंसर ऑफ पार्ट 1, राइट। अब पार्ट 2 आइए, पार्ट 2 में क्या है, 5/3 प्लस 3/5। देखिए यहां पर एलसीएम करना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा, ओके। अब 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो इन दोनों को इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 15 में, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, 5/5 25, और यहां कितना हो जाएगा, 9, नीचे 15 है तो 25 + 9/15, तो 25 और 9 को जोड़ा तो हमने कितना हो गया, 34/15, ठीक है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटती है, ये 2 से कटता है लेकिन 2 से नहीं कटता है, ठीक है, ये 3 से कटता है, इसलिए दिस इज द आंसर, 34.15 इज द सम ऑफ 5/3 एंड 3.5। अब हम आते हैं इसका पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या है, -9/10 प्लस 22/15। दे 15 और 10 इसका एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता है ना। देखिए हमने रखा इधर 10 रखा और इधर 15 रखा, यहां से हम जो छोटी सी छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं, ये 2 से होता है 3 से नहीं होता, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो 15 ही होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये तो 5 ही रहेगा क्योंकि 5 डिवाइड नहीं होगा, और 15 3 से डिवाइड होगा तो 5 हो जाएगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 1 और 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3 × 5, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 30। अब 30 एलसीएम हो गया तो ये 10 है डिनोमिनेटर, सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 3 से करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को भी 3 से करेंगे, और यहां पर क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, ये 30 हो जाएगा, तो यहां इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस हर को आप जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसके अंश को भी आपको उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तभी उसमें कंपेरिजन होगा। तो -9 × 3 कितना हो गया, -9 का पहाड़ा 3 बार बोला -27, और ये प्लस ये कहता है 22 × 2 कितना हो गया, 44, ठीक है। अब देखिए
ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हम प्लस में से माइनस का हटा देंगे, 44 में से 27 को हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 17 प्लस का, ठीक है, माइनस का कम है प्लस का ज्यादा है, तो 17/30। अब ये 17 क्या है, प्राइम नंबर है, ये कटता नहीं है किसी संख्या से, इसीलिए इसको और छोटा नहीं बना सकते हम, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म यही होगी इसकी, तो 17/30 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 3। क्लियर। पार्ट 4 में क्या है, -3/-11, इधर क्या है 5/9। देखिए 11 और 9 का एलसीएम लेंगे क्या होगा, कोई दोनों संख्या आपस में नहीं कटने वाली है, इसीलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 को मल्टीप्लाई 9 से किया तो हमारे पास 99 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब 99 में हम 11 से डिवाइड करेंगे 99 को, तो 9 आएगा, ठीक है, तो हम ये माइनस है इसलिए क्या आएगा, -9 आएगा, तो -9 इसको कर देंगे, तो ये क्या होगा, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, -11 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। जब नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं तो आपको अंश या इस न्यूमरेटर को भी -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर क्या है 9 और 99, तो यहां पर कोई माइनस प्लस का नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 11 सीधा, ठीक है, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, इसको भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, तो 9 को 3 से गुणा किया, 9 × 3 = 27, ठीक है, यहां पर निशान क्या है, प्लस का है, ये इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां पर आ गया प्लस, इधर क्या आएगा 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55। अब क्योंकि ये दोनों ही प्लस के हैं तो 27+55 कितना हो गया, ये हो गया 7/5 = 12, और एक रहा पास में, और 7 ये 5 और 2 = 7 और 1 = 8, ये हो गया आपका 82/99, ठीक है। अब देखिए ये क्या संख्या कटने वाली है, देखिए दो से काटने सबसे पहले हम, तो 82 तो दो से कट जाएगा लेकिन 99 दो से नहीं कटेगा क्योंकि इसके जो लास्ट में जो है 9 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो 82 इज द आंसर ऑफ ऐसा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82/99, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। अब पार्ट 5 में आइए, -8/19 + -2/57। अब देखिए 19 और 57 का एलसीएम हम लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए कोशिश करते हैं, हमने ये लिखा 19 और ये 57, देखिए दो से कटने वाले नहीं, ये जो 19 संख्या है ये 2 से 3 से 5 से किसी से नहीं कटती है, इट इज ए प्राइम नंबर, तो ये 19 से ही कटेगी, इसके पहले कोई संख्या नहीं है जो इसको छोटा करे, तो 19 को 19 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 57 को भी 19 से करेंगे तो आप 19 का टेबल बोलोगे तो 19 1 = 19 19 2 = 38 19 3 = 57, ठीक है, ये 57 तो 3 जा, ठीक है, ये 1 और 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो यहां तो 1 आ जाएगा और वहां भी 1 आ जाएगा, तो हमारे पास में आया 19 × 3, ठीक है, तो हमारे पास 19 × 3, तो 19 × 3 कितना होता है, अभी हमने देखा था ना 19 1 = 19 19 2 = 38 19 3 = 57, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 57 हो गया, इसको हमने यहां पर नीचे रख दिया, ये दोनों का डिनोमिनेटर होगा, 57 को डिवाइड करो 19 से, अभी हमने किया था ना, ये 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आया था, तो इसको हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा, जब इसको डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां 57 को 57 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको हम 1 से करेंगे और इसको भी हम 1 से करेंगे, यहां -8 है तो यहां को 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ जाएगा, ये प्लस का निशान आपका ऐसा रहेगा, यहां पर -2 को 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है और उनको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा ये -26, ओके, -26 और नीचे का कितना रहेगा 57, ठीक है, तो -26/57। अब ये दोनों ही संख्याएं जो है 26 एंड 57
ये दोनों ही नंबर जो है किसी से कटने वाले नहीं है आपस के अंदर। ये टू से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ये थ्री से कट जाएगा, 19 आ जाएगा लेकिन ये थ्री से नहीं कटेगा। इसलिए 20 माइनस 26, इसका आंसर क्या आएगा? -26/57 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 5। नाउ हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। -2/3+0, देखिए 0 किसी संख्या में जोड़ना है तो आंसर वही आएगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा, -2.3 यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को। पार्ट 7, -2, 1, 3+4, 3, 5। देखिए ये संख्याएं जो है इनको पहले आपको सरल बनाइए, ठीक है, पहले इसको आप इजी बना लीजिए ताकि इसके डिनोमिनेटर हम इक्वल कर सके। तो 3, 2, 6 और 1, 7, तो ये -7/3 हो गया। इसको हम 2, 1/3 को हम 7/3 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, 5 × 4 तो 20 हो गया, और 3 तो ये हो गया 23। ये प्लस का ही है, माइनस नहीं है, 23/5 हो गया। देखिए 3 और 5 का LCM क्या होगा, सीधा निकाल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 हो गया। दोनों ही प्राइम नंबर है इसलिए इसका LCM 15 हो गया। अब 15/3 तो कितना आएगा, 5, यानी 5 × 3 = 50। डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा, ये सत्य नियम है। यहां पर 15 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आएगा, 3, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो नंबरेटर है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7, 5 यानी 35, 7 का टेबल 5 बार बोला हमने तो माइनस का है, ये माइनस आ गया, और ये प्लस का निशान यहां प्लस का आ गया। अब यहां माइनस प्लस कुछ नहीं है तो प्लस रहेगा, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। ओके, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का है ये, माइनस का है ये, प्लस का है, तो प्लस वाले में से माइनस को घटा देंगे तो हमारे पास प्लस का बच जाएगा। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने का मतलब है कि प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को कम कर देंगे, प्लस वाली ज्यादा है तो ये कितना होगा, ये 9 में से 5 निकाला तो 4 हो गया, 6 में से 3 निकाला तो 3, तो ये आपका हो गया 34/35। ठीक है, अब ये संख्याएं कटेगी नहीं, ये 2 से कटती है लेकिन ये नहीं करती, ओके, ये 3 से कटती है लेकिन ये नहीं करती, यही हमारा आंसर हो गया 34/15। 34/15 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन दिस पार्ट 7। आई थिंक ऑल पार्ट्स आर क्लियर नाउ, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन हाउ टू राइट एन एग्जामिनेशन इसके लिए आपको यहां पर ये दिया गया है पार्ट वाइज, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 इंग्लिश में दिया है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट 3 दिया है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, और पार्ट 4 दिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पार्ट 5 भी दिया है इंग्लिश के लिए, और ये पार्ट 6 और 7 दिया है इंग्लिश मीडियम के लिए। आप इसको जिसको पढ़ना चाहे, जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, लेकर के आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बुक में अगर आंसर मिलेगा, किसी बुक में आप इसके सॉल्यूशंस देखेंगे तो आपको इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। अब हम जो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हमने 7 पार्ट के आंसर दे रखे हैं यहां पर लिख करके, तो ये पार्ट 1 और 2, 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और 7, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स के आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। आप इनको अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे, आपका आंसर देंगे, आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।